चंपावत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, चंपावत में 40 वर्ष की एक महिला ने जिला युवा कल्याण अधिकारी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि युवा कल्याण अधिकारी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी से तलाक होने की बात कही थी, तो वहीं आरोप के मुताबिक लंबे समय से पीड़िता को शादी करने का यह अधिकारी झांसा दे रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते दिनों जब आरोपी से शादी के लिए कहा गया तो वह मुकर गया। पीड़िता ने अवसर पर दुष्कर्म के अलावा उसके साथ फर्जीवाड़ा करने, मारपीट और गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी जिला युवा कल्याण अधिकारी मोहन सिंह नगनियाल के खिलाफ 1 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं कोतवाल ने बताया कि सबूतों को एकत्र करने के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी अधिकारी नगनियाल का मोबाइल फोन बंद होने से इससे पूरे मामले में उनका पूरा पक्ष सामने नहीं आ सका है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।